क्या हाल किया इस कौम ने भाई, मतलब ओनर्स को किस तरीके से मनाएं हम कि भाई इस आवाम के लिए अच्छी से अच्छी डील निकालें, अच्छे से अच्छे मामलात करें। देखिए क्या हाल किया है यार, मतलब कल तक ड्रीम बाजार का फेस कैसा था, लुक कैसा था, आज इन्होंने जो है वो तबाह कुन कर दिया है। ये कौन लोग हैं जो कराची को बर्बाद करने के चक्कर में लगे पड़े, पूरा का पूरा स्टोर जो है वह आपके सामने सत्यानाश हो गया। कपड़े देखें कैसे नीचे पड़े हुए, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं, काउंटर बंद करने पड़ गए, मतलब ज्यादती की हद हो गई है। अनस भाई, मतलब आप क्या होप कर रहे थे और आपके साथ हुआ क्या है? नवाज़ भाई, हम कराची वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक डायरेक्टर्स का मोटिव भी था कि बेनिफिट लेके आए, सहूलत लेके आए। कोई ऐसी बात तो हमने नहीं की थी कि कोई रिटेल रेट है, होलसेल रेट है, सेल पे है। ये वो प्राइसेस थी जो पूरा साल थी। ये आप देखें स्टोर का लोगों ने क्या हाल किया, बदतर तरीन हाल कर दिया है। ये भी यहाँ खड़े हुए भाई, आप बताएं कि आपने जब ओपन किया कैसा एक्सपीरियंस था आपका? सर, हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन हमने 20 दिन मेहनत करी है यहाँ पे। हमने अपना टाइम दिया, फैमिली से ज्यादा हमने यहाँ पे टाइम दिया। हमने यहाँ पे अपनी एक फैमिली जनरेट करी, हमने अपनी टीम बनाई, लेकिन लोगों ने हमें ये सिला दिया। यार ये देख सकते हैं, ये कौन सी कौम आई है कराची में, कौन लोग बसते हैं जो ये हाल बनाते हैं। सिर्फ ये हाल नहीं है भाई, पूरे स्टोर का एज इट इज सेम हाल है। मतलब कौन लोग हैं भाई, ये कहाँ से आते हैं? कोई मैसेज है अनस भाई, कुछ पैगाम देना चाहेंगे कराची के ऑडियंस? नवाज़िश भाई, वैसे ही पाकिस्तान में लोग जो बहुत मिनिमम साइट पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं लोगों के बेनिफिट के लिए कोई चीज़ें लेके आ रहे हैं, अगर लोग इसको नहीं समझेंगे, जब तक खुद ठीक नहीं होंगे तो आपके लिए चीजें कैसे ठीक होंगी? गला बैठ गया अनस भाई, मुझे तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है। कैसे ठीक होंगी जब तक लोग नहीं समझेंगे? भाई ये इमोशनल पैगाम है आप सबके लिए कि यार खुदारा 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 ड्रीम बाजार को सपोर्ट करें। ये आपके लिए बनाया गया है, ये प्राइसेस आपके लिए हैं, अच्छे वक्त में आए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये 50 से लेके 1000 तक ये कपड़े भाई पूरे साल आपको दस्तियाब होंगे, परेशान ना हो, जब भी आना चाहें तब आ सकते हैं। ये हाल है भाई इस वक्त, और बाहर के मनाजिर मैं आपको नहीं दिखा सकता। वो पता नहीं कौन सी कौम है जो नारेबाजियां हर किस्म की कर रही है, कहां से आए हैं, किन्होंने खरीदे हैं, किन्होंने बेचे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस ड्रीम बाजार को सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अच्छी से अच्छी जेंट्री यहाँ पर आए। अभी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता कि ये आप कब ओपन करेंगे, बहुत बुरा हाल हो चुका है इस स्टोर का। क्या हाल किया है इस कौम ने ड्रीम बाजार का, मतलब कोई तमीज़ नहीं है, कोई सलीका नहीं है, पूरा का पूरा स्टोर जो है वो बर्बाद हो चुका है। और